हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे हाई ब्रांच की तरह दिखने वाले और उसी के तरह वर्क करने वाले बट प्राइस में एकदम अफोर्डेबल इस तरह के मेकअप ब्रशेस। अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली इस तरह के मेकअप ब्रशेस लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूज़ करने में भी ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं पर्सनली इन्हें यूज़ करते आ रही हूँ। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूना स्टोर के मेकअप ब्रशेस की। तो ये आते हैं इस तरह के पाउचेस में, यू कैन सी। सो ये जो किट है इस तरह से दिखती है। कुछ आपको ब्रशेस दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये जो है स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है 4 से 5 बड़े बड़े वाले ब्रशेस, ये सब फेस के लिए है। और जो बारीक वाले ब्रशेस दिख रहे हैं स्मॉल ब्रशेस, सभी जो है आईलाइनर के लिए, आई मेकअप लुक के लिए और लिप लाइन करने के लिए वगैरह दिए हैं। इसके बाद ये फैन ब्रश दिया गया है यहाँ पे, जो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए होता है मोस्टली। सो ये सभी जो ब्रशेस है बहुत ही अच्छी पैकिंग में आए हैं एंड इसका जो वुड वाला नीचे का हिस्सा है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत दिन तक ये टिकेगा, ख़राब नहीं होगा। ब्रिसल्स देख सकते हो, ब्रिसल्स की क्वालिटी जो है वो हाथ लगाते ही आपको समझ जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही सॉफ्ट आपके फेस पे ये मेकअप को ग्लाइड करेगी। उसके बाद मैं दिखाऊंगी हर एक ब्रश को अच्छे से। तो ये है पाउडर ब्रश, फर्स्ट नंबर का ब्रश है ये। इससे आप किसी भी पाउडर प्रोडक्ट को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कॉम्पैक्ट है, लूज़ पाउडर है, बनाना पाउडर है। उसके बाद का जो ये ब्रश है ये ब्लश वाला ब्रश है एंड ये बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को पिक करता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ये नहीं लेता है मोस्टली। इसको मैंने 2-3 बार डिप किया ताकि मैं वीडियो पे अच्छे से आपको दिखा सकूँ। बहुत ही कम प्रोडक्ट ये लेता है जिससे ब्लश बहुत ही नेचुरल लुक देता है। नेक्स्ट है ये जो है ये कॉन्टोर वाला ब्रश है। इससे आप किसी भी क्रीम कॉन्टोर, पाउडर कॉन्टोर या लिक्विड कॉन्टोर को अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर सकते हो क्योंकि इसका जो शेप है बहुत ही अच्छा है और अप्रोप्रिएट है कॉन्टोर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद वाला ब्रश जो है ये एक फाउंडेशन ब्रश है और ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा घने घने होने के कारण ये जो है ब्रिसल्स के मार्क नहीं देता। आपको मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है, देखिए कोई भी जो मार्क है ना वो रख नहीं रहा है ये। और बहुत कम टाइम लगता है आपको इसको ब्लेंड करने के लिए क्योंकि मैंने बहुत सारे फाउंडेशन ब्रश यूज़ किए हैं और ये मुझे बेस्ट लगा। ये जो सारे ब्रश है इसकी इट्सेल्फ क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके जो कलर है ये मैंने पिंक लिया है, आपको ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। ये जो पूरा सेट है इस पर हर एक ब्रश पर नाम लिखे है। नेक्स्ट जो है ये एक आई शेडो ब्रश है। इससे किसी भी आई शेडो को मेकअप करते वक्त आप डिपॉजिट कर सकते हो अपने आई लीड पे, बहुत अच्छे से डिपॉजिट करता है ये। ये जो है ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है बट खैर मुझे काफ़ी पसंद नहीं आया ज़्यादा क्योंकि इससे अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश ऑलरेडी मेरे पास है। बट अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम देगा आपको। एंड इसके बाद जो है ये छोटे छोटे ब्रशेस है सभी, जो आई मेकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हो, साइड में क्रीज लाइन पे अप्लाई करने के लिए ब्रश है। देन इसके बाद ये एक आईलाइनर ब्रश है, इसे आप आईलाइनर लगा सकते हो अपने आईज़ पे बट ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा सा लगा। सो इसके साथ आपको मिलता है स्पंज टिप एप्लीकेटर ब्रश और ये छोटा वाला कंसीलर ब्रश, इससे आप अपने नोज़ को वगैरह कॉन्टोर कर सकते हो, कंसील कर सकते हो, छोटे एरियाज़ में आप कंसीलेशन अच्छे से कर सकते हो इस तरह की छोटे ब्रश से। सो इस तरह के छोटे ब्रश को मैं डिटेलर ब्रश कहती हूँ। एंड नेक्स्ट है इसके बाद ये जो आईब्राउ ब्रश, तो इससे आप अपने आईब्रोज़ को कूम कर सकते हैं एज़ वेल एज़ ये एक स्पूली भी है इसमें और ये बिल्कुल भी लोकल क्वालिटी की स्पूली एंड आईब्रो ब्रशेस नहीं है, देखेंगे आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छी है बिल्डअप। नेक्स्ट है ये एक फ़ैन ब्रश है। फ़ैन ब्रश का मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन था। सो इससे हाइलाइटर कैसे लगता है आपको लगा के दिखाती हूँ। तो छोटे एरियाज़ में हाइलाइटर लगाने के बेस्ट है, बेस्ट। इसे प्रॉपर अगर आप क्लीन करेंगे और प्लास्टिक की शीट्स में इसी तरह से लेदर में अगर आप इसको रखेंगे तो ये ब्रशेस बहुत दिन तक टिकने वाले हैं। तो दिस इज़ अफोर्डेबल डील, आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर दिस। और अगर आप इस तरह के ब्रशेस चाहते हो तो आप ज़रूर ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी बाइंग लिंक दी है। ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। और किस तरह के वीडियोज आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो ये भी बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।